सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दां था, तो दूसरी जानिब यहूदी फलस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फहम व फरासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुकद्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेजों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। जनाब, खबर मिली है कि सिपाही छापा मारने आ रहे हैं यहाँ। छापा? हमें फौरी पीछे वाले दरवाजे से निकलना होगा। तो फिर पहले जनाब तू भी निको ले जाओ। मैं पारी साहिबा को अगवा कर लिया गया है। कैसे? वो मेरे साथ किताबों की दुकान पर जा रही थी। मैंने अली उस्मान के लिए कुछ किताबें खरीदनी थी और फिर उन्होंने आपके लिए ये पैगाम भेजा है। अगर आप पाए तख्त में कारोबार करना चाहते हैं तो आपको अपनी रकम महफूज हाथों में देनी होगी। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। जी, मैं समझ गया। वो तुबीनी महमूद पाशा को गैर कानूनी तौर पर एक खतीर रकम देगा। उसी असना में आप अपने सिपाहियों के साथ वहां छापा मारेंगे और हम तुबीनी को इस मामले में रंगे हाथों गिरफ्तार कर लेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। हारून साहब अपनी गिरफ्तारी के बाद बयान देंगे कि इस मंसूबे का सरबरा मनियास रफीक है और इस तरह अहमद पाशा का नाम सामने नहीं आएगा। देसिम साहब को छोड़ दो। गद्दार अहमद पाशा, ये सब उनका मंसूबा था। गिरफ्तार कर लो इन सबको। जाओ यहां से, मैं एक बार फिर तुम्हें बचाऊंगा नहीं। चलो जाओ, निकलो। हो क्या रहा है बताए मुझे पहले। कोई भी बहाना बनाओ और फौरन यहां से चले जाओ। जाओ। या अल्लाह, हमारी मदद फरमा या अल्लाह। कहाँ है ये लड़की? अब हम यहां से महल वापस कैसे जाएंगे?
मेरी पसंदीदा चीज, नोटों की गड्डियां। गिरफ्तार कर लो इसे। रकम की और इस जगह की तस्वीरें बना लो। गद्दार अहमद पाशा, ये सब उनका मंसूबा था। जनाब तुबीनी, अब ये वाजे हो चुका है कि आप पाया तख्त अपना कर्ज लौटाने नहीं बल्कि गैर कानूनी कारोबार करने आए थे। एक ताजर और बड़ी मकदार में गैर कानूनी रकम, जब ये दोनों चीजें एक साथ पाई जाएं, तो नतीजा क्या निकलता है ये बात जानते हैं आप? सुल्तान बाज़म, हमें माफ कर दीजिए। जुर्म है ये पाशा और सबूत भी मौजूद है। जनाब का रसूल, आप वकील की हैसियत से हमें बताएं, क्या सबूतों की बुनियाद पर हम इन्हें जिंदान में कैद कर सकते हैं या नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। आपको कैद में रखा जाएगा जनाब दुबीनी। हम ये मामला खत्म कर सकते हैं, ये मसला हल हो जाएगा अगर आप चाहें तो। आपकी सजा कैद है। मैं आपसे 1 करोड़ के बॉन्ड खरीद लूंगा। आपकी सजा सिर्फ कैद है। 1,80,00,000। आप एक तवील अरसे तक कैद में रहेंगे। 2 करोड़। मैं इससे ज्यादा रकम नहीं लगा सकता, चाहकर भी नहीं लगा सकता सुल्तान मोहसब। ये काफी नहीं, मेरे पास इससे ज्यादा रकम नहीं है। जनाब तुबीनी, हमें आपसे रकम चाहिए भी नहीं। हम कोई लूटने वाले रजन नहीं है, हम रियासत हैं। हम आपको रकम देंगे और आप उस रकम से बॉन्ड खरीदेंगे। इस तरह हम लोगों की नजरों में खोया हुआ अपना इतिबार फिर हासिल कर लेंगे। ठीक है, मुझे कबूल है, जैसा आप चाहें। लेकिन ये काफी नहीं, आप हमें किसी शख्स की जमानत भी देंगे। जमानत? मैं अपनी जमानत दे सकता हूं। क्या कोई है जो आपकी जमानत ले सके? ये है मेरे जामिन शहजादा सबाहती जी, मेरे पास है एक जमानत देने वाला। वो कौन है जो आपके साथ इस काम में शामिल है? मेरा इस काम में साथ देने वाले आपने ये सब कुछ किसके कहने पर किया? सलीम पाशा। सलीम पाशा, क्या वो पाए तख्त में है? जी वो यही है। आपने जो कुछ किया उसे माफ कर दिया जाएगा, बदले में आपको बॉन्ड वाला मामला संभालना होगा। मुझे मंजूर है, जैसा आप कहें। तहसीन पाशा, वजीर आजम पाशा को मुत्तला कीजिए, वो जनाब तुबीनी के साथ इस मामले को हल करेंगे। जनाब तुबीनी अपने खाते से वो बॉन्ड खरीदेंगे और बाद में हमें मुंतकिल कर देंगे। इनकी मुआशी शोहरत हमारे लिए इस सूरत हाल में फायदेमंद होगी, मगर याद रहे कि आपकी साख हमारे हाथ में है। आप हमारी साख बहाल करने में हमारी मदद करेंगे तो हम भी आपकी साख को किसी किस्म का नुकसान पहुंचने नहीं देंगे। कोई मुहाफिज नहीं है। इंशाल्लाह मेरा बेटा बिल्कुल ठीक होगा। उस्मान, तुम और नादिर साहब बाहर नजर रखो।
मेरे शेर। अगर अली उस्मान मेरा भांजा ना होता तो मैं तुम्हें बताता कि औलाद को खोना कैसा होता है अशरफ। शुक्र है कि अली उस्मान को कुछ नहीं किया हम लोगों ने। इसहाक साहब, आप अली उस्मान का ख्याल रखिए, खिड़की से दूर रखिएगा। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं आपकी जिंदगी जहन्नम बना दूंगा। ठीक है जनाब। तो तुम कहवा घर से ही मेरा ताकुब कर रहे थे निर्वा। मेरे बगैर ही शुरू कर दिया। हमारी तादाद कम है, हम पीछे हट रहे हैं। नादर साहब, उस्मान, चलो। वो फिर फरार हो गया। अली उस्मान और इसहाक साहब अंदर हैं, उन्हें किसी महफूज मकाम पर ले जाओ। मैं बजाते खुद उसके पीछे जाऊंगा। जनाब तुबिनी, इन दस्तावेजात को पढ़ लें फिर दस्तखत करते हैं। मुबारक हो। इसमें आपके लिए और हमारी रियासत के लिए भलाई होगी इंशाल्लाह। इन्होंने जो बॉन्ड खरीदे हैं इस हवाले से खबर शाये की जाएगी। सरकारी दस्तावेजात की नकूल सहाफियों तक पहुंचाई जाएंगी ताकि सरमायाकारों को मालूम हो सके कि जनाब तुबिनी हम पर कितना भरोसा करते हैं। इसके बाद बाजार में सरकारी बॉन्ड को जारी कर दिया जाएगा। जो आपका हुक्म वजीर आजम पाशा। तसीम पाशा। सुल्तान मौसम, क्या आपको ये बात मालूम हो सकी कि गोली की आवाज कहां से आई थी? सुल्तान मौसम, आवाज महल के अहाते से आई थी। मुहाफिज हर जगह की तलाशी ले रहे हैं, लेकिन लेकिन सुल्तान मौसम, गोली की आवाज से हरम में मौजूद खवातीन भी परेशान हो गई थी। ऐसे में उन्हें यह एहसास हुआ कि सालिया सुल्तान महल में नहीं है। मलिका सालिया। जनाब, दरवाजा बंद कर दो। इतनी देर से आए हो तुम, यकीनन कोई बुरी खबर लाए होगे विक्टर। बदकिस्मती से ऐसा ही है। अब्दुल हमीद ने तुबिनी को गैर कानूनी काम करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया और माफी के बदले में उससे कहा है कि तुम हमसे 2 करोड़ के बॉन्ड खरीदो, और उसने ये पेशकश कबूल कर ली होगी, है ना? जी, उसने कबूल कर ली। ये बाजी अब्दुल हमीद जीत गया। बिल्कुल, वो जीत गया। मैं मानता हूं कि अब्दुल हमीद ने बहुत बड़ी बाजी जीत ली है, मगर कुछ है जिसके बारे में वो नहीं जानता। वो क्या है जनाब? सल्तनत उस्मानिया अपने कर्जों से जान छुड़ाकर पूरी तरह आजाद हो जाए, ऐसा कोई भी नहीं चाहता। ऐसी रियासत जो आबादकारी का इरादा रखती हो वो अपने पैरों पर खड़ी हो जाए तो ये बात हर किसी के लिए परेशानी का सबब होगी। और तुम देखना, एक दिन जरूर हम इस मौके का फायदा उठाते हुए बहुत बड़ा और खतरनाक खेल मचाएंगे विक्टर। आपका मंसूबा क्या है जनाब? जनाब का रसूल और सबाहतीन को खबर करो, दफ्तर में मिलना चाहता हूँ उनसे। और हाँ, मैं एक शानदार दावत का एहतमाम चाहता हूँ, उसके फौरन बाद हम अपने काम का आगाज करेंगे, ये याद रखना। आप दावत का एहतमाम करना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, ऐसा ही है। बस बहुत हुआ, मैं जल्द ही सबसे मिलना चाहता हूँ। तो बताएं दावत के खाने में क्या होगा जनाब? उस्मानिया,
मेरा मतलब खाने में सिर्फ और सिर्फ सल्तनत उस्मानिया होगी विक्टर। अली उस्मान, हम कुछ वक्त यहाँ कयाम करेंगे। मैं आपके बाबा से मिलने जा रहा हूँ, तब तक आप आराम कीजिएगा, ठीक है? शाबाश, यहीं पर रहना, कुछ भी हो जाए मत जाना। हम कमांडर को तलाश करेंगे। आप क्या करेंगे इसहाक साहब? मैं बस अब जाऊंगा और अपना लिबास तब्दील करूंगा जनाब। पूरा लिबास कर दालूद हो गया है, इजाजत दीजिए। मैं बताऊं तुम्हें कि यह रास्ता किस तरफ जाता है? तुम्हारी मौत की तरफ। यह है कि कभी भी जंग के दौरान औरतों पे हमला ना करो। दूसरा उसूल यह है कि बच्चों पर हमला ना करो कभी। और तीसरा उसूल, कभी भी अस्पतालों में दरअंदाजी मत करना। अगर तुम्हारी नसीहतें खत्म हो गई हों, कोई उसूल नहीं होता अशरफ। छोड़ो, छोड़ो मुझे। अगर मेरा ताकुब किया तो ये मारा जाएगा। जाने दो मुझे, छोड़ो। मुश्किल इंसान, छोड़ दो, छोड़ो बच्चे को। इसे बचा सकते हो तो बचा लो। छोड़ो, छोड़ दो मुझे, जाने दो। कुछ नहीं हुआ बेटा, कुछ नहीं हुआ। सुल्ताने मौज़म, मलिका, मलिका, मलिका। सुल्ताने मौसम, क्या हुआ है आपको? सुल्ताने मौसम, आप ठीक हैं? इंशाल्लाह आपकी शादी के खाने से भी जल्द लुत्फ़अंदोज़ होंगे। यानी कहानी के बाद आपकी ही बारी है। बस करो महमूद, फिर से शुरू मत हो जाना।
ये बात सोचकर मुझे सुबह तक नींद नहीं आई। कहानी की शादी हो रही है? किसके साथ? नहमे सुल्तान के साथ। ये क्या कह रहे हैं? यानी मेरी उससे एक बार बात हुई थी, उसने कहा कि उसके जहन में कोई नहीं है और ना ही उसने शादी के बारे में कुछ सोचा है। सुना महमूद, इसने कहानी की सोच बता दी। आप बस कीजिए, आप बस वही सुन रही हैं जो सुनना चाहती हैं। क्या आप जानती नहीं कहानी को? उसने अभी तक मुंह से ये बात नहीं निकाली कि कहीं अपनी या गैर की नजर न लग जाए। होशियार बच्चा है वो। मामू जान। हाँ? क्या आप कहानी के बारे में वाकई सच कह रहे हैं? तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ बेटी? सब कुछ मेरी आँखों के सामने हुआ। नहमी सुल्तान ने जानबूझकर कहानी के सामने अपना रुमाल गिरा दिया, फिर कहानी ने उस रुमाल को बहुत अकीदत से उठाया, उसे तय किया, उसकी खुशबू सूंघी और उसे अपनी जेब में रख लिया। मोहब्बत हो गई है उसे। कहानी को? नहीं बेटा, तहसीन पाशा को। कहानी ही की बात हो रही है। आपा, आपको मेरी बात का यकीन नहीं तो कहानी के कमरे में जाइए, तलाशी ले लीजिए। बिस्मिल्लाह। मतलब वो सारी बातें सच हैं? ये यहाँ मौजूद है? क्या हुआ वालिदा, क्या ऐलान जंग हो गया? ये क्या है कानी, क्या है ये? रुमाल है। किसका रुमाल है? नाइम सुल्तान का रुमाल है। तुम्हारे पास क्या कर रहा है? वालिदा ये उनसे गिर गया था तो मामू ने कहा कि। मैंने कहा आपा, मैंने कानी से कहा कि ये रुमाल उठाओ और जाकर नाइम सुल्तान को वापस कर दो, लेकिन इसने मेरी बात नहीं मानी। ये तो फौरन ही मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया आपा जान। रुमाल को उठाया, सूंघा और जेब में रख लिया। आपा जान, मोहब्बत में दीवाना हो गया है ये दीवाना। सुल्ताने मौसम, मलिका की तबीयत अब कैसी है? वो अब बेहतर है। तबीबा का कहना है कि मजीद आराम करने से ठीक हो जाएंगी, बस आराम की जरूरत है। शुक्र है। सुल्तान मौसम, मैंने वजीर आजम साहब को खबर कर दी है, वो जल्द ही आकर तफसीलात से आगाह करेंगे। आफरीन। हर शय पर्दे के पीछे छुपी है पाशा, साए नजर आते हैं लेकिन हकीकत पोशीदा रहती है। सलीम पाशा अगर कठपुतली हैं तो फिर असल गद्दार कौन है? सुल्तान मौज़ूम ने कुछ समझा नहीं। सलीम पाशा किसी के हाथ की कठपुतली बने हुए हैं, ऐसी कठपुतली जो तमाशा तो दिखाती है लेकिन किसी और के इशारों पर। सुल्तान मौसम, अगर ऐसी कोई बात होती और अगर कोई उन्हें यह सब कुछ करने पर मजबूर कर रहा है तो वो आकर हमें यह बता चुके होते। ठीक कहा आपने पाशा, बिल्कुल ठीक कहा। आइए वजीर आजम पाशा। सुल्तान मौसम, क्या बॉन्ड वाला मामला हल कर लिया आपने? जी सुल्तान मौसम, जनाब तुबिनी ने बॉन्ड खरीद लिए हैं, अब हमारी माली साख बहाल हो जाएगी इंशाल्लाह। बाकी तैयारियां मुकम्मल हैं, आपकी इजाजत चाहिए। फौरन बॉन्ड जारी कर दीजिए और तुबीनी की बॉन्ड खरीदने वाली बात लोगों को मालूम होनी चाहिए। ये हम पहले ही कर चुके हैं, बाजार का रुझान मजबूत हो रहा है। माशाल्लाह, अब वक्त है दूसरे इकदाम का। कैसा इकदाम सुल्तान मौसम? तहसीन पाशा, अवलन याली इस्माइल कमाल साहब, दीवान उमूमिया के अफसर कफकसियाली मुराद साहब और आयस कली शहाबुद्दीन साहब। हुक्म कीजिए सुल्तान मौसम। आज हम इन तीनों के साथ इफ्तार करेंगे। खबर भेजिए इस्माइल कमाल साहब के घर इकट्ठा होंगे सब। इस्माइल हक्की साहब और अहमद नूरी साहब को भी मधु कीजिए। जी बेहतर सुल्तान मौसम। सुल्तान मौसम, इन तीनों अहबाब में एक चीज मुश्तरक है, ये इम्तिहान में कामयाब हुए हैं। दुरुस्त है पाशा। आप क्या सोच रहे हैं सुल्तान मौसम? मालूम हो जाएगा। बहुत एहतियात से काम करना होगा, इसमें ना कोई कोताही और ना ही कोई गलती की गुंजाइश है।
तहसीन पाशा। शहजादे, एक मसला है। मैं माफी चाहता हूँ शहजादे, ये मुनासिब वक्त नहीं है, क्योंकि सुल्तान मौज़्ज़म ने मुझे एक आम फरीजा सौंपा है। महमूद पाशा, आइए शहजादे। क्या आपके पास वक्त है? हमें एक मौजू पर आपसे बात करनी है। बिल्कुल शहजादे, कहिए। अकेले में बात करनी है। बैठिए शहजादे, तशरीफ रखिए। कुछ मालूमात मिली हैं हमें, कुछ खास मालूमात, लेकिन मालूम नहीं वो दुरुस्त हैं या नहीं। ये मालूमात किसके बारे में है शहजादे? अहमद पाशा के बारे में। सुल्तान मौज़म ने एक मंसूबा बनाया, उसी के जरिए हम अहमद पाशा तक पहुंचे, लेकिन जिस शख्स ने अहमद पाशा का नाम लिया वो मारा गया, लिहाजा मालूमात की दुरुस्तगी की तस्दीक नहीं कर सके। शहजादे, क्या आप ये समझते हैं कि अहमद पाशा गद्दार है? अभी कुछ नहीं कह सकते, किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे हम। फिलहाल सोच रहे हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। अहमद पाशा को कई बार गद्दारी के इल्जाम में आजमाया गया है और हर बार उन्होंने खुद को वफादार साबित किया है। अब अगर आप भी उन पर इतना बड़ा इल्जाम आयद करने वाले हैं तो शहजादे, मेरा मशवरा है एक बार नहीं कम से कम दो बार सोचिएगा। यह मसला है पाशा, इख्तिलाफ का बीज कौन बोना चाहता है? अहमद पाशा बहुत जज्बाती शख्स हैं शहजादे। अहमद पाशा जैसे शख्स की मुखालिफत आप मोल नहीं लेना चाहेंगे। पाशा, हम सिर्फ हकीकत जानना चाहते हैं और अल्लाह के सिवा किसी का खौफ नहीं है हमें, लेकिन अगर ये अहमद पाशा पे महज बहुतान है तो हम अभी सुल्तान मौज़म को यह खबर नहीं देंगे। पहले हम इस मामले की तस्दीक करेंगे। आप सही कह रहे हैं। फिर आपको फिलहाल इस मसले को खुफिया रखना चाहिए ताकि गैर जरूरी हंगामा आराई से बचा जा सके। रात के उस पहर वो इमसाल खादमा से भी छुपकर आखिर कहां जा सकती हैं? नहीं मालूम, जब वो मिली तो होश में नहीं थी, लेकिन इसकी वजाहत उन्हें जरूर देनी होगी। क्या मालूम कि वो क्या करना चाहती हैं? किसी की बात सुने बगैर आप ऐसे कैसे इल्जाम लगा सकती हैं आलिया? गोली की आवाज कहां से आई थी, हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा। सिपाही सुबह तक हर जगह की तलाशी ले रहे थे लेकिन उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। उम्मीद है उन्हें जल्द होश आ जाएगा, तब हर चीज का जवाब मिल जाएगा। हाँ, वो अगर हकीकत बताएंगी तो। शहजादी। कहिए हमदान। आपके लिए अहम खबर लाई हूँ मैं। सालिहा सुल्तान की तबीयत अब बेहतर है, कहवा भी पिया है उन्होंने अभी। ठीक है। मेरी प्यारी सुल्ताना, आप अकेले वहां कैसे जा सकती हैं? मुझे खबर कर देती, मैं चली जाती। जब मुझे रात को आप यहाँ नजर नहीं आई तो मेरे जहन में अजीब ख्यालात आ रहे थे। मैं खौफ ज्यादा हो गई थी कि आपको कुछ हो ना गया हो। हमें कुछ हुआ तो नहीं, लेकिन जब हम आलिया सुल्तान के पीछे राहदारियों से गुजर रहे थे तो वो अचानक ही गायब हो गई, फिर हम खो गए और जब आंख खुली तो जंगल में पाया खुद को हमने। हर तरफ अंधेरा था, हमें बहुत सर्दी लग रही थी, खौफजदा हो गए थे हम, और फिर एक आवाज सुनी हमने। सुल्ताना, अगर आपको कुछ हो जाता, या अल्लाह, मुझे तो सोचकर ही खौफ आ रहा है। अगर वो चाहते तो हमें कत्ल कर देते। क्या आपको लगता है कि ये आलिया सुल्तान ने किया है सुल्ताना?
हमें नहीं मालूम, ये सब बहुत खौफनाक है। सारिया सुल्तान, कैसी हैं आप? हम बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे, आप कहां चली गई थी? ताजा हवा के लिए गए थे। आप तो जंगल में से मिली थी, रात के उस पहर ताजा हवा खाने के लिए आप इतनी दूर गए। अगर आपको वहां कुछ हो जाता तो क्या होता? बुराई कब और कहां से आ जाए कोई नहीं जानता आलिया सुल्तान। बाज़ औकात ये बहुत दूर होती है और बाज़ औकात करीब ही होती है। उस्मान, नादर साहब। कमांडर, अल्लाह का शुक्र है सब ठीक है। हम कल रात से तलाश कर रहे हैं आपको। हमने सोचा कि कोचवानों से पूछताछ कर लें। जब उन्हें आपका हुलिया बताया तो उन्होंने पूछा कि क्या वो असलहा इस्तेमाल करते हैं। मैंने कहा सिर्फ उनके लिए जो उसके मुस्तहिक हो। फिर वो जान गए कि हम आपकी बात कर रहे हैं और बताया आपको यहाँ छोड़ा था, फिर हम फौरन यहाँ आ गए। कमांडर, आपने अपना भेस क्यों बदला है? क्या किसी मंसूबे पर अमल पैरा है? वो बदजात यहाँ पर आकर गायब हो गया था, यकीनन यहीं कहीं होगा। आइए जनाब का रसू। जनाब का रसू, खुशामदीद। शुक्रिया जनाब कसल। सुबहुद्दीन नहीं आया आपके साथ? हाँ, मेरा उनसे रब्ता नहीं हो सका, शायद वो कहीं मसरूफ हैं। लेकिन आप जो कहेंगे मैं उन तक पहुंचा दूंगा। ठीक है, मैं तमहीद बांधे बगैर मुख्तसरन बात करता हूँ। मैं एक इशाई की मेजबानी करने वाला हूँ जिसमें तमाम ताकतवर लोग शिरकत करेंगे, और मैं चाहता हूँ कि आप भी उस दावत में जरूर शिरकत करें। जी बिल्कुल। सबसे पहले सबाहतीन, उसके बाद वो कौन है जो महल में होते हैं? इज्जत पाशा। और वो दोनों कौन है जिन्होंने नौजवानों की नई तहरीक बनाई है? क्या नाम है उनका? हाँ, उन दोनों के नाम है तलत और मनियास रफीक साहब। हाँ वही, उन्हें भी दावत दी जाएगी। और उनके अलावा अगर आपके जहन में कोई और आला दर्जे के लोग हैं तो आप उन्हें भी दावत में मदू कर सकते हैं। जी हाँ जरूर, मैं अभी फौरन उन सबको खबर कर देता हूँ और दीगर नामों के बारे में भी सोचता हूँ। ठीक है। तलत साहब और रफीक साहब को भी मुतला कर दूंगा। विक्टर, तुम फौरन नैरवा और मेका से रब्ता करके उन्हें भी मदू करो। जो आपका हुक्म जनाब। विक्टर आपको दावत की जगह और वक्त के बारे में बता देगा। बहुत बेहतर, लेकिन मैं किसी और वजह से मुतजस्सिस हूँ। दरअसल मुझे तजस्सुस कुछ ये है कि अगर मेरे दोस्तों को भी। जनाब का रसूल, दावत की जगह पर जाने से पहले ये नहीं पूछते कि खाने में क्या है। फिक्र मत कीजिए, बस आप उन्हें दावत दे दें। हम किसी को भी गैर मुतमईन नुकसद नहीं करते। ठीक है। जनाब तुबीनी ने तुम्हारे नाम की जगह सलीम पाशा का नाम दिया है। मामला हल करने के लिए किसी का नाम तो लेना था। बहरहाल माजी में फंसे रहने का कोई फायदा नहीं। आप ठीक कह रहे हैं जनाब तुबीनी, हमें माजी में फंसे रहने के बजाय मुस्तकबिल के बारे में मंसूबा बंदी करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। आप जल्दी जा रहे हैं? हमेशा के लिए नहीं जा रहा, उम्मीद है जल्द ही दोबारा मुलाकात होगी। मैं भी यही उम्मीद करता हूँ। सफर बखैर हो आपका। शुक्रिया। हाँ तो सबाहतीन साहब, ये आपके लिए मेरी तरफ से आखिरी एहसान था। छोड़िए इन गैर जरूरी बातों को, हम दोनों ही जानते हैं बहुत जल्द आप हमारे साथ खड़े होंगे। फिलहाल आप गलती पर हैं, लेकिन एहसास हो जाएगा। बेटा तुम इन फजूल बातों को छोड़ दो, मेरे साथ चलो, तुम्हें एक खास जगह ले जाना चाहता हूँ, शायद तुम्हारा दिमाग खुल जाए। कहाँ? सवाल मत करो, बस मेरे साथ चलो।
चलिए बाबा। आप सुल्ताने मौसम से क्या कहेंगी? उन्हें रात के उस पहर बाहर जाने पे आप क्या वजाहत पेश करेंगी? हम उन्हें हकीकत ही बताएंगे, जाहिर है। और अगर आलिया सुल्तान ने इससे इनकार कर दिया? वो तो ऐसे जाहिर कर रही थी जैसे कुछ जानती ही ना हो, बल्कि वो तो आपसे पूछ रही थी। वो जितना चाहे इससे इनकार कर ले, जल्द या बदेर हकीकत सामने आ ही जाएगी। झूठ की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती। यकीनन सुल्तान मौज़म हमसे नाराज होंगे। हमें किसी सूरत महल से नहीं जाना चाहिए था, हमने गलती कर दी। होशियार, सुल्तान अब्दुल हमीद खान तशरीफ ला रहे हैं। सुल्तान मौज़म, शुक्र है कि आप सेहतियाब हो गई। तबीबों से बात हुई है, उनका कहना है कि अब आप बिल्कुल तंदुरुस्त हैं। आपको परेशान करने के लिए माफी चाहते हैं हम। हम परेशान भी थे और मुतजस्सिस भी। आप महल से बाहर हमारी इजाजत और मुहाफिजों के बगैर गईं, और फिर आप हमें बेहोशी की हालत में मिलीं। हमें उम्मीद है कि आपके पास बगैर इजाजत महल से बाहर जाने की और उसके बाद गोली की आवाज आना और आपका बेहोशी की हालत में मिलने की कोई वजाहत जरूर होगी। वजाहत के होते हुए भी हम जानते हैं कि हमने गलती की सुल्तान मौसम, हम माफी चाहते हैं। पहले आप हमें हकीकत बताएं, फिर हम फैसला करेंगे कि आपको माफ करना है या नहीं। सुल्तान मौसम, समझ में नहीं आ रहा हम आपको कैसे बताएं, हमें शर्मिंदगी हो रही है। हम किसी का ताकुब कर रहे थे। किसका ताकुब कर रही थी आप, और इसकी क्या जरूरत थी आखिर? आलिया सुल्तान का ताकुब कर रहे थे। क्या वो बाबा से भी यही कहेंगी कि रात के उस पहर वो ताजा हवा खाने गई थी? उन्होंने हमें बच्चा समझकर हम सबसे झूठ बोला, कौन यकीन करेगा उन पर? बाजी, आपका क्या ख्याल है? हमें नहीं लगता कि सालेहा सुल्तान कुछ गलत कर सकती हैं। आप कितनी नेक नीयत है फातिमा। आपका रवैया बदला हुआ है, कुछ हुआ है क्या? हमने एक फैसला किया है आलिया, हम आपको बताने के लिए मुनासिब वक्त का इंतजार कर रहे थे। आप हमारे साथ वालिदा के पास बुरसा चल रही हैं। हम कहीं नहीं जाएंगे, सुना आपने? आप जाना चाहती हैं तो जा सकती हैं। हमें आपकी इजाजत की जरूरत नहीं आलिया, आप हमारे साथ बुरसा चल रही हैं और ये तय हो गया। नहीं, हम यहीं रहेंगे नाइम बाजी के साथ। हम आलिया को कहीं नहीं जाने देंगे, सिर्फ यही है जो तकलीफों में हमारा साथ देती है। हमारा फैसला हतमी है, लेकिन जाने से पहले हमें कुछ करना होगा। वो ये है कि चचा को हकीकत मालूम होने से पहले नाइमे की गंवाई हुई रकम का मसला हल करना होगा। इसलिए हम तीनों को मिलकर कोशिश करना होगी ताकि इसकी तलाफी हो सके। तो आप एक तवील अरसे तक अहमद पाशा के साथ काम करते रहे हैं, इस बात ने मुझे बहुत हैरान किया है। अब अगर वो भी उससे बेजार हो चुके हैं तो इसका मतलब है कि अब्दुल हमीद के पास कोई भी नहीं बचा जिस पे वो इन्हसार कर सके। आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि अब्दुल हमीद जिस चीज पर इन्हसार करता है वो उसकी कौम है, और हम इस गुमराह कौम को हकीकत से रोशनास करने के लिए दिनों रात मसरूफ अमल हैं। अब आपकी मसरूफियात में और भी ज्यादा इजाफा होगा तलत साहब, आपने तलबा को जमा किया है और फिर अहमद पाशा की मदद से उन अफसरान को जिंदान से फरार करवाया है। इसके नतीजे में अजीम बैंकर जनाब कसल ने आपको इशाइये की दावत दी है। जनाब कारासू, वो आदमी हमसे क्या चाहता है?
सिर्फ आप ही मधु नहीं, सबको बुलाया है उसने। और आप खुद को इस कदर कमतर क्यों समझ रहे हैं? आप लोगों ने कई बड़े कारनामे सर अंजाम दिए हैं, और जहां तक मैं समझता हूं उस मेज पर बड़े फैसले किए जाएंगे। अब्दुल हमीद के खिलाफ नए नए मंसूबे बनाए जाएंगे। आप अहमद पाशा को खबर कर दीजिएगा, क्योंकि उनका भी इस कामयाबी में बहुत बड़ा हिस्सा है। हम आ जाएंगे, लेकिन ये भी हो सकता है कि अहमद पाशा ना आए, क्योंकि वो किसी के साथ शामिल नहीं होना चाहते। हम आपके साथ काम कर रहे हैं, ये बात भी हमने उन्हें बाद में बताई। आप उन तक पैगाम पहुंचा दीजिएगा, अगर वो इस खेल में शामिल होना चाहेंगे तो वो जरूर आएंगे। कमांडर, हम उन लोगों तक कैसे पहुंचेंगे? हमें तो ये भी नहीं मालूम कि वो कहां गए हैं। तो फिर हम क्या करें उस्मान? तुम्हारे पास कोई माकूल मशवरा है जिस पर अमल कर सकें? हमारे पास उन लोगों के बारे में कोई मालूमात भी नहीं है, लिहाजा वाहिद काम जो हम कर सकते हैं वो है इंतजार। यही हमारा फर्ज है उस्मान, पहाड़ हो या शहर कोई फर्क नहीं पड़ता। जब सामने कई गार हो तो किसी एक में छुप जाओ और इंतजार करो, दिनों तक, हफ्तों तक। बारिश हो तो भी इंतजार करो, बर्फबारी हो तो भी इंतजार करो, जब तक सांप अपना सर ना निकाले और तुम उसे कुचल ना दो। हम भी यही करेंगे उस्मान। तुम्हारे ख्याल में तुम ये क्या कर रहे हो? देखो, अगर तुमने उस बच्चे के बाल भी छुए तो मैं पूरे पायतख्त को आग लगा दूंगा। क्यों? क्या वो तुम्हारा बच्चा है? ये परेशानी कैसी है? मैं तुम्हारे लिए परेशान हूं नेरवा। तुमने मेरा पीछा किया और हवेली के बारे में जान लिया, यूं तुमने अपनी हद पार कर दी। दोबारा अपनी हद से तजावुज मत करना ताकि मुझे तुम्हारी जान न लेनी पड़े। समझ गया मैं, ठीक है। इस मंसूबे को इख्तिताम तक पहुंचाना होगा, यह बहुत तवील होता जा रहा है। अशरफ अजीज को तबादले के लिए पैगाम भेजते हैं, यह ऐसे ही खत्म हो सकता है। वाकई जनाब कसल ने तुम दोनों को दावत पर बुलाया है, यह सही वक्त नहीं है। हमें अभी कुछ मामलात को निपटाना है। कोई भी चीज इस दावत से ज्यादा अहम नहीं है, मेरा यकीन करो, यह हुक्म जनाब कसल ने ही दिया है। बाबा, आप मिलना चाहते थे हमसे? हमें आप तीनों से कुछ बात करनी है। हम सुन रहे हैं चाचा। मलिका सालिहा से हमने पूछा कि गुज़िश्ता रात कहां गई थी वो। सच कहें तो हम भी काफी मुतजस्सिस हैं। आपको खबर किए बगैर, मुहाफिजों को साथ लिए बगैर इनके इस तरह बाहर जाने से हमें बहुत हैरत हुई। ये बाहर किसी का ताकुब कर रही थी। किसका? मलिका सालिहा, आप खुद बताइए कि किसके ताकुब में बाहर गई थी आप? आलिया सुल्तान का ताकुब कर रहे थे हम। क्या? आलिया सुल्तान गुज़िश्ता रात किसी से मिलने के लिए हरम से बाहर निकली थी। ये जानने के लिए कि वो किससे मिलने जा रही है, हमने इनका ताकुब किया। ये उन राहदारियों में दाखिल हुई जिनकी सिर्फ अफवाहें सुनी थी, लेकिन आज तक हमने वहां कदम भी नहीं रखा। चूंकि हम इनके हवाले से मुतजस्सिस थे, लिहाजा हमने ताकुब जारी रखा। तो क्या आप ये देख सकें कि हम किससे मिलने गए थे? बदकिस्मती से नहीं, हमें ऐसा लगता है कि आपने हमें देख लिया था, इसलिए आप छुप गई थी। आप हमारी नजरों से
ओझल हो गई थी। जरूर ये गलतफहमी है। कोई गलतफहमी नहीं है फातिमा सुल्तान, आपकी बहन हम सब से छुपकर कुछ कर रही है। शायद आप अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठी हैं। चचा जान, आपको सालिया सुल्तान के इस झूठ पर यकीन नहीं करना चाहिए। तो फिर हकीकत आप हमें खुद ही बता दीजिए आलिया बेटी, कि गुज़िश्ता रात आप कहाँ थीं? मैं अपनी बहन और नाइमे बाजी के साथ थी। सुल्ताने मुअज़्ज़म के सामने आपको झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आ रही? आलिया सच कह रही है, ये पूरी रात हमारे साथ थी। नाइमे सुल्तान, आप इन्हें बचाना चाहती हैं हम जानते हैं, लेकिन ये हम भी गवाह हैं। सालिया सुल्तान, गुज़िश्ता रात हम दोनों नाइमे के साथ थे। कैसे हो सकता है? अगर गुज़िश्ता शब ये तीनों महल में थी तो मलिका सालिहा, फिर आप गुज़िश्ता रात किसके ताकुब में महल से बाहर गई थी और क्यों? हमें लगा कि हम आलिया सुल्तान का ताकुब कर रहे हैं सुल्ताने मौसा, माफी चाहते हैं। उम्मीद है आप आइंदा किसी पे इस तरह का बहतान नहीं लगाएंगी सालिहा सुल्तान। और कितना दूर है बाबा? शिकायत बंद करो, पहुंचने वाले हैं। क्या तुम जानते हो सबातीन, जब तुम छोटे थे तो यहां आकर छुप जाया करते थे। तुम्हें इस तरह के अंधेरे रिंदान में खेलना पसंद था। इससे जाहिर हो गया था कि तुम एक मुख्तलिफ इंसान होगे, यानी तुम्हें हमेशा से ही तारीकी पसंद थी। क्या हम यहां मेरे बचपन की यादें ताजा करने आए हैं बाबा? क्यों, क्या हुआ? तुम्हें बेचैनी हो रही है क्या? अपने खानदान को, कौम को, रियासत को छोड़ने के बाद अपनी बचपन की यादों को भी भूल जाना चाहते हो? अपनी जड़ों से भी मुंह फेर लेना चाहते हो? मैं जिस राह पर गामजन हूं उसकी दुरुस्तगी का यकीन है मुझे। कम से कम मैं आपकी तरह कुछ और दिखाई देने की अदाकारी तो नहीं कर रहा। इसका क्या मतलब है बाबा? आप अब्दुल हमीद की इताअत करते हैं, हरगिज ऐसा नहीं लगता मुझे। मैं जानता हूं आपको, आप ऐसे नहीं हैं। सबाहतीन, जब से हम मिले हैं तुम यही बकवास कर रहे हो। मेरी बात सुनो, मैं इस रियासत का पाशा हूं। मैं किसके साथ खड़ा हूं यह अच्छी तरह जानता हूं। क्या तुम समझ गए? अब आगे बढ़ो। वो किताब देख रहे हो? जी। उसे मेरे पास ले आओ। ये क्या कर रहे हैं बाबा? तुमने मुझे ये करने पर मजबूर किया है सबाहतीन, क्योंकि ये वाज़े है कि तुम कभी नहीं सुधरोगे। बाबा, मैं आपका बेटा हूं, ऐसा नहीं कर सकते आप मेरे साथ। मुकद्दर, शायद मुकद्दर में यही लिखा था कि मुझे अपने बेटे को जिंदान में कैद करना पड़ेगा। बाबा, खोले ये दरवाजा, आप मुझे यहां बंद नहीं कर सकते। यकीन करो मेरा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि अपने बेटे के साथ ऐसा सुलूक करूंगा। क्या मैं सहनी तवाज़ुन खो बैठे? खोल ये दरवाजा। सबाहतीन, मेरे बेटे, अब सोचने के लिए बहुत वक्त है तुम्हारे पास। अच्छी तरह सोचो, अच्छी तरह, अच्छी तरह सोचो। बाबा, बाबा, आप मुझे यहाँ नहीं छोड़ सकते। बाबा, बाबा, मैं कहता हूँ खोले दरवाजा। बाबा, खोले इसको, खोले। यानी अगर हम कानून असासी को बहाल करना चाहें तो उसमें बुनियादी कानून क्या होने चाहिए? ठीक है, लेकिन हमें यूरोप की भी आईनी मिसालों को मलहूज़े खातिर रखना होगा। हमने यूरोप से भी एक कानूनदान को बुलाया है। अहमद पाशा, आपने हमारी ये दावत कबूल की, हमें बहुत खुशी हुई।
कल बंदरगाह पर मार्टिन नामी एक साहब आ रहे हैं। मेरे लिए क्या हुक्म है? हम बराह रास्त उनकी हिफाजत के इकदामात नहीं कर सकते, इसलिए उनकी हिफाजत को यकीनी बनाना आप और आपके साथियों की जिम्मेदारी है।